वॉचिंग मी हेयर लाइव। आज हम क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक। तो मतलब फ्रीक्वेंटली जो पूछे जा रहे हैं, अगर आप इसको करते रहेंगे तो पासिंग से ज़्यादा मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और इसके साथ मैंने एक और क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, 2020 का क्वेश्चन पेपर वीडियो है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, राइट। तो ये दोनों क्वेश्चन पेपर आपने कर लिए, सो इट इज़ मोर देन इनफ। बट आप जानते हैं ना कि दो घंटे में क्या ही हो सकता है, तो आप 100% तो मार्क्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, बट आई कैन गारंटी कि आपको सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर की लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद और जो 2020 का क्वेश्चन पेपर है उसको करने के बाद, राइट। चल, अगर आपने दोनों फॉलो किया होगा तो नाउ, तो सबसे पहले बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन जो है, एक आपको बिजनेस लेटर लिखना है, ठीक है, राइट अ बिजनेस लेटर एंड डिस्कस द ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है, राइट अ बिजनेस लेटर एंड डिस्कस ब्लॉक फॉर्मेट। तो आपसे ये सवाल अगर पूछा गया है तो आपको आंसर करना है, राइट। चलिए, तो एक बिजनेस लेटर जो होता है वो एक फॉर्मल लेटर होता है, लाइक अनलाइक अ रिज्यूमे और कवर लेटर। एक रिज्यूमे लेटर और एक कवर लेटर की तरह नहीं रहता। जो फॉर्मल लेटर होगा यहाँ पर वो एक से ज़्यादा पेज का हो सकता है, ठीक है, एक से ज़्यादा पेज का आपका जो बिजनेस लेटर है ये हो सकता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। अभी मैं आपको तीन चीज़ें और बताऊंगा, ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है, और मिड ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है। सर यस, क्लास रिकॉर्ड हो रही है बट मैं इसको अपलोड करूँगा रात 10 बजे, ठीक है, सो टिल देन आप यहाँ पर रहिए, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लाइव क्लास में ही रहे, राइट। चलिए, रिपीट कर लीजिएगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को दोबारा से, है ना। नाउ, बिजनेस लेटर एक फॉर्मल लेटर है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके अंदर सबसे पहले होगी हेडिंग। हेडिंग कंटेंस रिटर्न एड्रेस, जहाँ पे ये लेटर रिटर्न होके आएगा, मतलब सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब होता है सेंडर, जो भेज रहा है उसका एड्रेस, राइट, क्लियर। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टाइप अ रिटर्न एड्रेस इफ़ यू आर यूजिंग स्टेशनरी। लाइक अगर मान लेते हैं आप एक क्या नाम है, इस तरीके का कोई लेटर हेड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, लेटर हेड अगर यूज़ कर रहे हैं आप, तो वहाँ पर पहले से ही एड्रेस दिया होता है, कंपनी का नाम लिखा रहता है, तो आपको वहाँ पर हेडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। कभी कभी आपसे बोलेगा कि एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ अ फॉर्मल लेटर और अ बिजनेस लेटर, तब आपको ये बताना है। फॉर एग्जांपल, आपको रिटर्न एड्रेस में जैसे किसी कस्टमर का एड्रेस है, मिस रश्मि अग्रवाल, ठीक है, A53/146 यमुना विहार दिल्ली 86, है ना, टेलीफोन नंबर, ईमेल और डेट मेंशन करना ज़रूरी है। फिर रिसिपिएंट्स एड्रेस जिसको आप ये लेटर भेज रहे हैं। मुझे मालूम है कि ये सारे टॉपिक्स बहुत आसान हैं, आप लोग इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान देना है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ, राइट। सो रिसिपिएंट्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हो, है ना, उसके सामने आपको टाइटल नेम वगैरह ज़रूर लिखना है। सैल्यूटेशन आप यूज़ करेंगे, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, है ना, डियर, फिर उसका पर्सन का नेम, मिस्टर मिसेस, जो भी आपका टाइटल है उस पर लगाना है, इंजीनियर, डॉक्टर, राइट, ये। फिर आपको बॉडी लिखनी है पूरे के पूरे लेटर की। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज दे देना, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, है ना, इस तरह का। सिग्नेचर लाइन, अगर कोई सिग्नेचर लाइन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एनक्लोजर्स, ठीक है, एनक्लोजर क्या है, ये एडिशनल पार्ट होता है किसी भी लेटर का, कि आपको कुछ ऐड करना है क्या, कोई डॉक्यूमेंट लगाने हैं, फोटोग्राफ्स लगाने हैं, कोई नोट वगैरह ऐड करना है, तो वो आप एनक्लोजर लगाते हैं, राइट, अटैचमेंट जिनको बोलते हैं। अब फॉर्मेट और अगर फॉन्ट की बात करूं तो भाई तीन तरीके के अपने पास लेटर होते हैं, ठीक है, ब्लॉक फॉर्मेट, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक। ये तीन तरह के लेटर आप लोगों को बिजनेस लेटर दिखेंगे और हमसे पूछा गया है कि राइट अ लेटर ऑफ विद ब्लॉक फॉर्मेट, ठीक है।
ब्लॉक फॉर्मेट ये क्या है, मोस्ट कॉमन लेआउट है बिजनेस लेटर का, ठीक है। मोस्ट कॉमन ब्लॉक जो है फॉर्मेट और फॉन्ट का, ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है। इस पूरे के पूरे फॉर्मेट में जो पूरा का पूरा लेटर होता है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड, एंड सिंगल स्पेस्ड एक्सेप्ट फॉर अ डबल स्पेस बिटवीन पैराग्राफ, पैराग्राफ को छोड़ के सिंगल स्पेस के साथ पूरा लेटर लिखा जाता है। तो हमें पूछा गया था कि राइट अ ब्लॉक लेटर, ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि राइट अ ब्लॉक लेटर, ठीक, क्लियर नाउ। सो ब्लॉक लेटर का एग्जांपल है, पहले हमने बोला कि जो रिसीविंग एड्रेस है वो आप लिखेंगे, मतलब सेंडर्स एड्रेस, अच्छा यहाँ पे स्पेस की गड़बड़ हो गई है, ठीक, सिंगल स्पेस, नहीं सिंगल ही स्पेस था, सिंगल स्पेस देखिए, फिर आपका डेट लिखना है, फिर जो रिसीवर है उसका एड्रेस लिखना है, इसके बाद डियर मिस्टर समिया, राइट, क्लियर। उसके बाद बॉडी लिखनी है आपको पूरे लेटर की, आई नॉट गो विद द बॉडी, ये लेटर कैसा भी हो सकता है, चाहे कंप्लेंट का हो सकता है, कॉन्ग्रेचुलेशन का हो सकता है, ठीक है, या किसी ऑर्डर का हो सकता है, रिप्लेसमेंट का हो सकता है, रिटर्न का लेटर हो सकता है, तो इसी फॉर्मेट में ब्लॉक लेटर रहेगा गाइज, ये ब्लॉक लेटर का एग्जांपल है, ठीक है। फिर आप जो कंक्लूजन है वो लिखेंगे, उसके बाद आप एक जो है थैंक यू, या फिर जो क्या बोलते हैं भाई इसे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है आप इस पूरे लेटर पर लिखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का मतलब है कॉम्प्लीमेंट देंगे, मैनी थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी वेयर दिस लीड्स, ये कहाँ तक लेके जाते हैं इसे, योर सिंसियरली नेहा कौर, लीड रिसर्चर एनक्लोजर, ओवरव्यू साउंड एंड कलर, ये कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने इसके ऊपर एनक्लोज किए हैं, अगर हैं तब एनक्लोजर लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आप एनक्लोजर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा फॉर्मल लेटर दिखता है ये, मतलब फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरा आता है भाई मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट लेटर। मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट लेटर में हम लोग क्या करते हैं, जो सेंडर्स एड्रेस होता है ना, इसको लिखते हैं राइट हैंड साइड, कहाँ लिखते हैं, राइट हैंड साइड, ठीक है, क्लियर। सेंडर्स के एड्रेस को हम लिखते हैं राइट हैंड साइड, क्लियर, और जो रिसीवर है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। सो बस ये मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट हो गया। सेमी ब्लॉक फॉर्मेट, सेमी ब्लॉक फॉर्मेट में लेटर जो है वो सेंटर से शुरू करते हैं, यहाँ से, ऐसा कैसे, यहाँ पे कोई एड्रेस वगैरह नहीं रहता, डायरेक्ट टॉपिक रहता है, टॉपिक रहता है टॉपिक, ठीक है। तो कोई जो ऑफिशियल्स, लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, उन्हें सेमी ब्लॉक लेटर बोलते हैं। द लीस्ट यूज्ड स्टाइल इज कॉल्ड सेमी ब्लॉक, इन ईच पैराग्राफ इन इंडेंट लेफ्ट, इंडेंट ऑफ लेफ्ट जस्टिफाइड। तो यहाँ पे ना सेंटर में रखने की कोशिश की जाती है टॉपिक वगैरह ना, तो इस तरीके का आपका कुछ लेटर का फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ। आपको एक आएगा पोस्टर बनाने के लिए, मान लेते हैं ये एक डोनेशन पोस्टर है, तीन चार बातों का ख्याल रखना है। एक पिक्चर आपको बनानी है, अब ऐसा नहीं कि 3D इमेज बना दोगे आप छोटे बच्चों की, डोनेशन के लिए पोस्टर है ये पोस्टर, डोनेशन के लिए आपको किसी भी तरीके का पोस्टर बोला जा सकता है। तो आपको एक तो पिक्चर बनानी है, ठीक है, पिक्चर बनानी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेडिंग लिखनी है। उसके बाद पोस्टर में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, हाँ, पिक्चर बनानी है, हेडिंग लिखनी है, रीज़न लिखना है कि पोस्टर का रीज़न क्या है, ठीक, इसके बाद बाकी सारी चीज़ें, जैसे वेन्यू, टाइम, डेट, ठीक है, कॉन्टैक्ट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आशु जिंदल, आशु ये BCOA 1 का ही हम लोग क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं। आशु, आर यू अवेयर ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स? यस, इफ यू आर अवेयर ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, दिस इज़ फ्रॉम BCOA 1। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे हेडिंग में लिखा हुआ है BCOA 1,
राइट। अच्छा वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर एक तो पिक्चर बनाई है, हेडिंग लिखी है इन्होंने, हेल्प टू ग्रो देम, इनको ग्रो करने में मदद कीजिए, डोनेशन के लिए पिक्चर है। फिर चैरिटी फंड रेजिंग, अबाउट अस फ्री सपोर्ट, रीज़न मैंने बोला ना, रीज़न दो भाई, पोस्टर बना रहे हो तो रीज़न किस लिए बना रहे हो? तो चैरिटी फंड रेजिंग है, अबाउट अस, और हम ये फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, वी प्रोवाइड फूड, फ्री एजुकेशन, फ्री बुक, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री शेल्टर, फ्री क्लॉथ्स। अब हमने उसके बाद क्या बोला, अगर कोई वेन्यू है, कुछ ऐसा करा रहे हो आप, शो ऑर्गेनाइज करा रहे हो, कुछ करा रहे हो, तो उसका नाम लिखो, टाइम और डेट लिखो, वरना आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक, तो देख लो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरा का पूरा पोस्टर 10 नंबर का आएगा, 10 मार्क्स अगर आया तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आएगा ही, अगर आया तो ये 10 नंबर का आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अभी हम अंग्रेजी वाले पार्ट में हैं, यानी कि इंग्लिश पार्ट में हैं, हम आगे की तरफ भी बढ़ेंगे, तो फिलहाल हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश पार्ट के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिटिंग अ रिपोर्ट। हमें क्या करना है, एक रिपोर्ट एडिट करनी है। तो एक रिपोर्ट एडिट कैसे करी जाती है, ध्यान से देखिएगा। एक पर्सन जो एक रिपोर्ट एडिट करता है उसको बोलते हैं एडिटर। एडिटिंग से हम क्या करना चाहते हैं, हम किसी भी न्यूज़ को, किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट को पब्लिकेशन रेडी बनाना चाहते हैं। पब्लिकेशन रेडी मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए अब वो बिल्कुल तैयार है। ठीक है, क्लियर। सो एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रिपोर्ट को पढ़ा जाता है, करेक्ट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, वैल्यू ऐड की जाती है, पॉलिश किया जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है, और उसे ज़्यादा बेहतर बनाया जाता है जिससे लोगों तक पहुंचाया जा सके। देखो कंडेंसेशन, यस यस, कंडेंसेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एडिटिंग। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है, रिपोर्ट अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, हमारे कलीग ने अगर उसे ऑन साइट रिपोर्टिंग करके काफ़ी बड़ा एक रिपोर्ट बनाया है, तो जब इसे बाकी लोगों के लिए पब्लिश किया जाएगा, चाहे हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, चाहे न्यूज़ रिपोर्टिंग है, या किसी भी तरीके की कोई भी रिपोर्ट है, तो जिसको भी, जो रीडर है, जब उस तक पहुंचाया जाएगा, तो बहुत ही शॉर्ट, समराइज और इफ़ेक्टिव तरीके से इसको पहुंचाने के लिए हम लोग एडिटिंग करते हैं उस पूरी रिपोर्ट के अंदर। राइट, क्लियर। चलिए, अच्छा अभी वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रही? नाउ मान लेते हैं आपको कैसे रिपोर्ट एडिट करनी होती है। यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, मई 11, 1998। ध्यान से देखिए, इस रिपोर्ट में ना गड़बड़ बहुत है, एडिटिंग करके इसको आपको ठीक करना है। सो इंडिया कंडक्ट्स 3 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स एट इट्स पोखरण टेस्ट साइट, दीज इंक्लूड अ फ्यूजन डिवाइस, अ लो ईल्ड डिवाइस एंड अ थर्मल न्यूक्लियर डिवाइस। ठीक, अभी तक तो ठीक चल रहा है, इसमें गड़बड़ है, इसको आपको क्या करना है, एडिट करना है इस रिपोर्ट को। प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्स दैट द यील्ड फ्रॉम द एक्सप्लोजन्स आर इन लाइन विद एक्सपेक्टेड वैल्यूज, इंडिया स्टॉप शॉर्ट ऑफ डिक्लेयरिंग इटसेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। ऑन मई 1874 इंडिया एक्सप्लोडेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा, आफ्टर अबाउट अ क्वार्टर सेंचुरी ऑन बुद्धा जयंती डे मई 11, 1998 ऑपरेशन शक्ति वॉज कैरिड आउट। ये हो गई रिपोर्ट खत्म। इसमें आपको लग रहा है कि कुछ सही बात थी? मतलब वैसे तो सब कुछ सही है, अगर सेंटेंस वाइज पढ़ोगे तो हर एक सेंटेंस अपने पास अपनी पूरी वैल्यू रखता है इस पूरे नोट, इस पूरे रिपोर्ट के अंदर। पर गड़बड़ कहाँ है इस रिपोर्ट में, आप लोग बताइए। किसी भी टॉपिक पर इन्होंने एम्फेसिस नहीं लगाया कि किसी एक टॉपिक के बारे में बात करें, ना तो ये बुद्धा जयंती के बारे में बात कर रहे हैं, लग नहीं रहा, ना तो ये पोखरण टेस्ट साइट के बारे में बात कर रहे हैं, ना तो प्राइम मिनिस्टर की पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ना ही ये हमारे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर थर्मल डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब कुछ मिक्स कर रखा है, तो इससे कोई ज़्यादा वैल्यू निकल कर आएगी नहीं। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एम्फेसिस करके, ऐड करके, इसमें वैल्यू ऐड करके, फिर हमें इसे रिपोर्ट को दोबारा तैयार करना पड़ेगा। मतलब जो सारे कंटेंट है उसको रखा ऐसे ही जाएगा, पर कुछ पॉइंट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। राइट, चलिए। द कॉपी ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन इम्प्रूव्ड बाय एडिटर एंड
इज़ देयर फॉर ईजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर उसे एडिट किया जाएगा तभी वो बाकी लोगों के समझने और उनके बाकी लोगों तक पहुंचाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो एक अच्छा एडिटर बनने के लिए आपको क्रिएटिव स्किल्स, कमांड ओवर द लैंग्वेज और आइडियाज़ टू इम्प्रूव द कॉपी, ये सब होना चाहिए। एंड करेक्ट जजमेंट कि कैसे किसी भी टॉपिक को इम्पोर्टेंस दी जाए। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये हो गया भैया रिपोर्ट एडिटिंग कैसे करते हैं। नाउ अगला सवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, BCOA 1 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के। यू वर्क इन अ रिटेल आउटलेट, यू हैड ऑर्डर्ड सम गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, राइट अ लेटर टू सप्लायर कंप्लेनिंग दैट गुड्स ही हैड सेंट वर डैमेज्ड एंड आस्क हिम टू सेंड अनदर सेट ऑफ गुड्स। आप एक रिटेल आउटलेट में काम करते हैं, सप्लायर ने कोई सामान भेजा, वो सप्लायर खराब है, मतलब सॉरी सामान खराब है। अब उस सप्लायर को लेटर लिखो कि जो सर आपने सामान भेजा था ना वो सामान सही है नहीं, है ना, वो सामान सही है नहीं। तो हमने यहाँ पर मॉडिफाइड ब्लॉक लेटर, मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्मेट लेटर हमने यहाँ पे लिखा है, हमने अपना एड्रेस दिया, सेंटर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट। ठीक, चलिए, सर मैम हमारा रेफरेंस नंबर ये है, AQ फलाना ढमकाना 123 जो भी है। इसके बाद हमने अपना जो है लेटर शुरू कर दिया। ठीक, किसका, हमने अपना एड्रेस डाल दिया, सप्लायर का एड्रेस डाल दिया, ABC सप्लायर हमीदपुर हरियाणा, तारीख, ये पूछ रहे थे आप, हाँ तो ये लिखा था, अच्छा वो थोड़ा छोटा था तो इसलिए दिख नहीं रहा। हाँ स्टोर का कोड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं ना, मैंने बोल तो दिया ABC लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि जो सप्लायर है उसके बारे में आप लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सप्लायर हमीद जहाँ भी एड्रेस वगैरह है ना, फिर आप डेट लिखेंगे जिस डेट पर ये लिख रहे हैं। सर मैम मेरा रेफरेंस नंबर ये है, 15 अगस्त 2021 को मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था पैक ऑफ पेपर रिम के लिए और 27 अगस्त को मेरे पर डिलीवर हुआ। मैंने देखा कि उसके अंदर दो समस्याएँ थी, एक तो रोल बहुत ज़्यादा गंदा था सर, और उसका कलर फेड हो रखा था जिस तरीके का मैंने मंगाया था, और उस रोल के ऊपर काफ़ी सारे कट थे, तो मेरे यूज़ के लायक तो है नहीं, है ना। ठीक है, नाउ सो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर राइट्स एक्ट मेक्स इट इम्प्लाइड टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड्स आई हैव रिसीव्ड वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर राइट्स एक्ट। तो सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और बिल्कुल ये सही बात नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे रिफ़ंड दें या फिर रिप्लेसमेंट दें, रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट दें, राइट। एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म इट बाय 15 नवंबर 2021। देखो अगस्त में उसने लिया है, अब टाइम भी दे रहा है, 15 नवंबर 2021 तक आप इसे कन्फर्म कर दो। I also require to confirm whether you will arrange the item to be collected or you wish to return me. ठीक है, that you will reimburse for the cost of returning. जो आएगा ना सामान उसका भी। I'll look forward to hearing from you. You are faithfully रमेश कुमार। तो इस तरह से हम ना सामान मंगा लेंगे जो भी सामान खराब भेजा गया है। अगला सवाल है, what is paragraph? आप एक paragraph को कैसे लिखेंगे? ठीक है, पैराग्राफ एक सीरीज ऑफ सेंटेंस होता है, उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेट करें, है कि नहीं, ठीक है, और एक सिंगल टॉपिक के ऊपर हो। ऑलमोस्ट एवरी पीस ऑफ राइटिंग दैट यू विल ऑर्गेनाइज इनटू पैराग्राफ आपके पूरे काम को डिवाइड कर देते हैं और सब डिविजन्स में बांट देते हैं। ठीक है, चाहे आप थॉट शुरू करो या थॉट एंड करो, उस पैराग्राफ के शुरू होने और ख़त्म होने से वो थॉट शुरू और ख़त्म होता है। ये हेल्प करता है रीडर्स को टू ग्रास्प द मेन पॉइंट ऑफ योर राइटिंग। ठीक है, क्लियर? नाउ सो पैराग्राफ कंटेन्स मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। हो सकता है कि अगर आप डिस्क्राइब करो किसी पर्सन को, प्लेस को, प्रोसेस को, नरेट कर रहे हो सीरीज ऑफ इवेंट को, कंपेयर कर रहे हो दो चीज़ों को, क्लासीफाई कर रहे हो आइटम्स को, या फिर दो चीज़ों के जो रिलेशन हैं उसके बारे में आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हो इन अ नटशेल। सो एक पैराग्राफ के अंदर भाई तीन चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी,
अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हो तो सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस लिखोगे कि किस लिए लिखा जा रहा है, मेन आइडिया क्या है। ठीक है, ठीक, क्लियर। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ, मान लेते हैं हेडिंग है ये, हेडिंग या टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद बॉडी लिखना शुरू करेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ एनी पैराग्राफ। तो टॉपिक सेंटेंस क्या होगा, जो इंट्रोड्यूस करे पूरे के पूरे मेन आइडिया को कि हम ये लिखने क्या वाले हैं, राइट। थ्री और मोर सेंटेंसेस जो आपके पूरे बॉडी को एक्सप्लेन करें, आपको आपके पूरी जो ये जो लेटर आपने लिखा है इसको एक्सप्लेन करें, राइट। चलिए, कंक्लूजन के अंदर हम लिखेंगे ऐसा सेंटेंस जो पूरे के पूरे आपके पैराग्राफ है इसको एक्सप्लेन करते हैं, राइट, क्लियर। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, तीन कंपोनेंट होते हैं, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी और कंक्लूजन पैराग्राफ राइटिंग के। आपको ये तो मैंने आपको सीरीज लिखी है कि कैसे लिखोगे, पैराग्राफ किसी के ऊपर भी आ सकता है, ठीक है, क्लियर। आपको वो पैराग्राफ वहाँ पर मेंशन कर देना है, इन्हीं तीनों स्टेप को ऐड करते हुए आपको लिखना है, राइट। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट, यानी कि ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। मैं ये भी नहीं चाहता कि क्लास 2-3 घंटे की हो जाए जिससे आपको कुछ टॉपिक समझ में ही ना आए, गड़बड़ हो जाए, इसीलिए बहुत ही शॉर्ट, श्योर और सर्टेन क्वेश्चंस में लेकर आया, ठीक है, क्लियर। चलिए, आप लोग लड़िए मत कमेंट में प्लीज़, वरना मैं कमेंट ऑफ कर दूँगा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। ग्रेजुएशन हो, लड़ाई वड़ाई कर रहे हो तुम कमेंट में, हाँ कि तुम एग्जिट हो जाओ, मैं एग्जिट हो जाता हूँ, नहीं, डोंट डू दैट। चलिए, सो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में हमें लिखना है। सो एक्सप्लेन इन ब्रीफ, हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। तो अपने पास कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं भैया? सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोल प्रोपराइटर में एक अकेला सिंगल व्यक्ति पूरे के पूरे बिजनेस को कंट्रोल करता है, रन करता है, ओन करता है और उसके मेन आइडिया के ऊपर काम करता रहता है। इस पूरे के पूरे बिजनेस में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका जो उसकी जो लायबिलिटी है सोल प्रोपराइटर यानी कि जो ओनर है उसके ऊपर जाती है, और इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। मतलब अगर कोई भी कर्जा रहेगा तो इसको पूरा, मतलब इसको इससे तब तक लिया जाएगा जब तक इसके सारे पैसे ख़त्म नहीं हो जाते, ठीक। और ये छोटे स्मॉल बिजनेसेस के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है, बहुत ही लो कंप्लायंसेस मैनेज करनी पड़ती हैं, कोई ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं है। आपने पैसे अर्न किए, सरकार को जाके बताओ कि सर मैं सोल प्रोपराइटर रन कर रहा हूँ, ये पकड़ो मेरा टैक्स, ठीक है, यस। तो शॉप या रिटेल बिजनेस के लिए होम बेस्ड कंपनी या इंडिविजुअल कंसल्टिंग फॉर्म, कोई बारबर है, कैंडी शॉप है, आइसक्रीम सेलर है, ठीक है, क्लियर। बिजनेस फॉर, टाइप्स ऑफ बिजनेस फॉर्म पूछ लेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म्स कितने होते हैं, इस तरह का ही सवाल आएगा, ठीक है। ये 5 से 10, अगर एक शॉर्ट नोट लिखना होगा किसी एक सिंगल के ऊपर तो 5 मार्क्स का, और अगर चारों पूछ लेगा, टाइप्स ऑफ फॉर्मेट पूछेगा डिफरेंट टाइप ऑफ, तो 10 नंबर का आएगा, ठीक है, 5 to 10 मार्क्स का आ सकता है। तो पहले तो हो गया, अब मैं कमेंट ऑफ कर दूँ, प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कीजिए, बाकी लोग सवाल पूछने वाले होंगे तो सवाल नहीं पूछ पाएंगे, है ना वरुण मोटर, राइट। हाँ, आपको इग्नू की वेबसाइट पे मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इग्नू ऐसे सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, राइट, यस। वरना आप हमें टेक्स्ट कर दें 8284x7188, इस पर टेक्स्ट कर देंगे तो आपको हम भी क्वेश्चन पेपर शेयर कर देंगे, 8284x7188, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो भाई 4 फॉर्म होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपने पास है। पहला है सोल प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी कॉरपोरेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। सोल प्रोपराइटर मैंने आपको बताया, पार्टनरशिप, सोल प्रोपराइटर में सिंगल ओनर होगा जो पूरे के पूरे कंप्लीट बिजनेस और ऑपरेशंस को रन करेगा, वही लायबल होगा सभी के सभी फाइनेंशियल बर्डन और डेट के लिए, ठीक है। जब तक वो ओनर है तब तक ये बिजनेस चल रहा है, जब वो ओनर ख़त्म बिजनेस डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक, क्लियर। चलिए, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल आते हैं और एक
जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक कोई बिजनेस फॉर्म शुरू करते हैं, राइट, क्लियर। चलिए, ईच इंडिविजुअल गिव्स शेयर टू कैपिटल, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्ट सम प्रॉफिट एंड लॉसेस। जब ये दो लोग आएंगे ना, एक्चुअली दो सोल प्रॉपर्टर आके मिलके एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, दो इंडिविजुअल शुरू कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप में होता क्या है कि ये लोग पार्टनरशिप डीड यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में डिफरेंस भी पूछ सकता है आपसे, तो एग्रीमेंट ओरल ज़्यादा होता है, ये रिटन होता है, कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा, ये लीगली बाइंड करता है, ये लीगली बाइंड नहीं करता, ठीक। चलिए, बट नॉट इन ऑल केसेस, दोनों के दोनों लीगली बाइंड करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज कंपनी और कॉरपोरेशन। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस स्ट्रक्चर होता है, इसको कंपनी लॉज 1956 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, द कंपनीज एक्ट 1956, उसके तहत इसको बनाया जाता है, बहुत सारे कंप्लायंसेस और बहुत सारे कंप्लायंसेस, रूल्स, रेगुलेशन को मैनेज करके आप ये कंपनी ओपन करते हैं, ठीक है। अब कंपनी भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड और एक होती है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड। जहाँ लिमिटेड वर्ड आ जाए ना, यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, राइट, यस। नाउ आगे चलते हैं, सो आई हैव टर्न्ड ऑफ द चैट जस्ट बिकॉज I am doing here most important questions from BCOA book, BCOA 1 के most important question paper discuss कर रहे हैं guys। आप लोगों ने banner देखा होगा, उसके बाद link पर join किया होगा, नहीं देखा तो मैं अभी बता रहा हूँ, BCOA 1 के most important question papers के बारे में discuss कर रहे हैं, है ना। So please be patience, है ना, और ध्यान से सुनिए। वैसे भी आप लोगों को कोई क्लास नहीं मिल रही है, जो मिल रही है इसमें आप लोग थोड़ा सा मेंटेन करें ना, है ना। आई विश कि आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे अपने सभी साथियों के साथ। सो आई हैव टर्न्ड ऑन द चैट नाउ, सो प्लीज़ मेंटेन। आगे बढ़ते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये लोगों के लिए, लोगों के साथ मिलकर बनाई जाती है। इसके लिए कंपनी को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट गवर्नमेंट के किसी लॉ या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक, क्लियर। इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे वो सारे के सारे मेंबर्स होंगे, ये समझ। नहीं होते सिंगल, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और इसमें आपको एक डीड, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के साथ आते हो। अभी क्या क्या सेम है इसमें, इसमें आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट को दिखाना पड़ता है रजिस्ट्रार को जाके, और वो आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप एक इंडिविजुअल फॉर्म चला सकते हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत जितने भी आपके कंप्लायंसेस रहते हैं वो भी आप रजिस्ट्रार के पास ही जाएंगे, पर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। अभी इंडिया की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है अमूल, ठीक है, इसके बाद लिज्जत पापड़, ठीक, यस। इसके अंदर ना जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इसके अंदर कोई लाइक ओनर वगैरह नहीं होते, इसमें सारे लोग मेंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे, ठीक। ओनर्स Not more than 10%, a person cannot hold more than 10% of share in any cooperative society. किसी भी single individual के पास 10% से ज़्यादा share नहीं हो सकते cooperative society के अंदर। ये topic और ज़्यादा discuss करते हुए चला जाएगा बहुत आगे, है ना तारिक, तो अभी फ़िलहाल ये बच्चे ज़्यादा confused ना हो जाएं, है ना, ठीक है। अच्छा, मैं इसके साथ ही एक थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, हम लोग क्रैश कोर्स करा रहे हैं। क्रैश कोर्स में अर्लियर देयर वॉज मोर देन 70 आवर्स ऑफ क्लास, पहले 70 घंटे से ज़्यादा की क्लास हम करा रहे थे,
और 10 घंटे की क्लास हम करा चुके हैं, अभी भी 60 घंटे से ज़्यादा की क्लास बाकी है, तो आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो सकते हैं आपके सभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक, 60 घंटे से ज़्यादा की क्लास है, नोट्स मिलेंगे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन मिलेंगे, लेक्चर कराए जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और कुछ कराया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ बाकी बचे हुए कुछ दिनों में। तो 60 घंटे से ज़्यादा की क्लास, नोट्स, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स विद सॉल्यूशन, ठीक, सो दिस विल बी अ लॉट हेल्प। तो जो भी इस बारे में पूछना चाहता है वो कॉल कर सकता है 8284x7188 पे। बाकी आप लोग रुके रहिए, मैं आपको सवाल करा रहा हूँ। पूर्णिमा, आपका माइक सही नहीं है। पूर्णिमा, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक और आप अपना सवाल चैट में पूछिए। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, या फिर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही। पूर्णिमा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, प्लीज़ टर्न ऑफ योर माइक। सो क्रैश कोर्स चल रहा है, इस पर आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? यस, जस्ट अ मिनट, एरियाज भी नहीं। सो नाउ आपसे पूछा गया है व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड राइट क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज लिखनी है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। सो ये अगला सवाल है, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा एबिलिटी है जिससे आप किसी बिजनेस को डेवलप करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो और रन करते हो, अलॉन्ग विद इस अनसर्टेनिटीज, इस बात का ध्यान रखते हुए कि इसमें कहाँ कितने ज़्यादा रिस्क और लॉसेस के चांसेस हैं। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप का जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होगा वो होगा कि किसी भी बिजनेस को स्क्रैच से शुरू करना या फिर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, राइट? क्लियर? नाउ द एंटरप्रेन्योरियल विजन इज डिफाइंड बाय डिस्कवरी एंड रिस्क टेकिंग, और ये इंडिस्पेंसिबल पार्ट है किसी भी नेशन की बिल्डिंग का, मतलब उसकी कैपेसिटी का, किसी भी राष्ट्र की कैपेसिटी का। अगर आप देखें पंजाब और झारखंड, कौन आपको सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगा? आपको मिलेगा पंजाब बिकॉज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है पंजाब में, झारखंड में बहुत कम है, ठीक? अगर मैं दूसरी बात करूँ आपसे बिहार और केरला की, तो आपको केरला में ज़्यादा दिखेगा, बिहार में कम दिखेगा। सो एंटरप्रेन्योर्स दे लीड टू द सक्सेस ऑफ एनी नेशन, राइट? सो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एनी एंटरप्रेन्योर? नाउ दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, दे हैव द एबिलिटी ऑफ रिस्क टेकिंग, दे रन द एंटरप्राइज। किसी भी नए बिजनेस को शुरू करने के पास के लिए उनके पास कॉन्फिडेंस होता है, पावर होती है, विल होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, गोल सेटिंग करते हैं ये लोग, क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न, दे आर क्वालिटी सीकिंग, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, राइट? क्लियर? यस अर्जुन, ये आपको एक्सप्लेन करना है ना? यस यस यस, मैं तो यहाँ पे देखिए समय की बहुत कमी है, तो अगर आपको हेडिंग याद होगी और 10 नंबर में आएगा तो मुझे नहीं लग रहा कि आप इसको लिखकर छोड़ देंगे। इसको आपको एक्सप्लेन करना है गाइस। अगर रिस्क टेकिंग की बात है तो आप एक्सप्लेन कर लेंगे, आई होप। मैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट से कह रहा हूँ और इतना एक्सपेक्ट करना मेरा लाजमी है, राइट? चलिए, परसिस्टेंस रहते हैं भैया, ये हमेशा लगातार काम करते रहते हैं, विजनरी, भविष्य का सोचते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ये। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is a business plan? What is a business plan? Business plan एक written document होता है। ये क्या होता है? एक written document होता है ना? जो आपके business के nature को describe करता है, sales और marketing strategy को describe करता है कि आप किस तरह से sell करोगे, marketing strategy कैसी रहेगी आपकी, आपका financial background कैसा है और आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट कैसी, आप किस तरह से बिजनेस में परफॉर्म कर रहे हैं, इस पूरे के पूरे बिजनेस का क्या होगा? एक ब्लूप्रिंट। इट सर्व्स एज ब्लूप्रिंट
फॉर हाउ यू विल ऑपरेट योर बिजनेस, ठीक है। और ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हो कि कितने समय में आप कौन कौन से गोल्स अचीव करेंगे, राइट। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन है, इन्यूमरेट द असेंशियल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। आप इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? यस जोया, बिजनेस प्लान को एक बार और एक्सप्लेन कर दूं जी। बिजनेस प्लान का मतलब है एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट, दोबारा से, बिजनेस प्लान क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो आपके बिजनेस के नेचर को, उसकी सेल्स स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जो ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता हो, उसको हम लोग बिजनेस प्लान कहते हैं। ये आपके पूरे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए एज अ ब्लूप्रिंट काम करता है, एक नक्शे की तरह काम करता है ये पूरा का पूरा बिजनेस प्लान। और इससे आप अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हो और अचीव करने के लिए डेडलाइन भी क्रिएट कर सकते हो कि कितना टाइम में मुझे क्या क्या चीज़ें और चाहिए, राइट। जोया, चलिए, इन्यूमरेट द असेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। भाई क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए? सो देर आर 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's गाइस, 7 C's, 7 C हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ आ जाए बिजनेस कम्युनिकेशन, 7 C's, बिजनेस कम्युनिकेशन 7 C's है सर। जिसने पूछा बिजनेस कम्युनिकेशन, 7 C's चिपका के आना है बस आपको। फिलहाल अभी हमको कुछ नहीं पता तो 7 C's पता है, ठीक है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड असेंशियल टॉपिक फ्रॉम द बिजनेस कम्युनिकेशन। बहुत सारे सवाल आए हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में, आप पूछ रहे हो यार हमारे पूरी बुक में बिजनेस कम्युनिकेशन कहीं दिया नहीं गया। यस, ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। सो देर आर असेंशियल 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन विच आर एप्लीकेबल टू बोथ रिटन एज वेल एज ओरल कम्युनिकेशन। सो दीज आर एज फॉलो। पहला है, कभी भी जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कम्युनिकेशन मस्ट बी कम्प्लीट। ऐसा नहीं कि आप आधी बात बताएंगे और आधी बोलेंगे कल, नहीं, ठीक है। कोई बिजनेस प्रपोजल देने जा रहे हैं या कोई बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो उसके अंदर कम्प्लीटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस कम्युनिकेशन या कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर ये 7 C's बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में तो और भी ज़्यादा। कम्प्लीट कम्युनिकेशन डेवलप्स एनहेंस द रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने कस्टमर्स को, सॉरी अपने शेयर होल्डर्स को शो कर रहे हो, तो आधा रिपोर्ट शो करोगे तो आपकी जो लाइक रेपुटेशन है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होगी। जब आप पूरी तरह से सारी बातें बताएंगे तब डेवलप होगी, ठीक। सो कंप्लीट कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव्स द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जहाँ अभी ज़रूरत होती है वहाँ पर ये पूरा का पूरा गैप फिल कर देती है, ठीक। और कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ती किसी भी रिसीवर के माइंड में। कंप्लीट कम्युनिकेशन हेल्प करती है बेटर डिसीजन मेकिंग के साथ, राइट। चाहे वो ऑडियंस हो, रिसीवर हो, जिसके पास भी वो मैसेज जा रहा है। नेक्स्ट है कंसाइजनेस। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो कंसाइज होके करें। ऐसा नहीं कि आप जलेबी की तरह खूब सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपके पास यहाँ पे क्लास लेने आता और आपसे बोलता कि हम ये डिस्कस करेंगे, गाइस बने रहिए आखिरी तक वीडियो में, और फिर उसके बाद ऐसे करके मैं 2-3 घंटे की वीडियो बना दूँ, उसमें 20-50 मिनट का, 1 घंटे का सिर्फ लेक्चर हो, तो फिर आप कंसाइज नहीं रहेगी ना, कंसाइज नहीं रह गया, वो ब्रेविटी नहीं रह गई मेरे मैसेज में। ब्रेविटी या कंसाइजनेस का मतलब होता है कि बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से किसी भी मैसेज को पहुंचा देना, राइट, क्लियर। चलिए, सो लीस्ट पॉसिबल वे में, लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स में, ठीक, जो सीज हैं, 7 C's है कम्युनिकेशन के, इसको बिना अवॉइड किए हुए आप लेटर या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आपका पैसा और टाइम दोनों बचता है, ठीक है, क्लियर। नाउ आगे बढ़ते हैं। कंसाइज कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड असेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स टू ऑडियंस। कंसाइज मैसेज इज मोर अपीलिंग एंड कंपेरेंसेबल टू ऑडियंस। जो कंसाइज मैसेज होता है वो ज़्यादा अपीलिंग होता है और कंपेरेंसेबल होता है ऑडियंस के लिए। कंसाइज मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। ये रिपीटेटिव नहीं होता, मतलब बहुत ही छोटे सही सटीक तरीके से आपको मैसेज बता देना। कंसिडरेशन, जब भी आप कोई मैसेज बताएं तो आपको ना इस बात का ध्यान रखना है कि आप किसको मैसेज लिख रहे हैं।
मान लेते हैं आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के पास कोई सा भी मोबाइल हो, सैमसंग, आईफोन, ठीक है, लावा, नोकिया, कोई सा भी मोबाइल फ़ोन हो, कुछ कुछ कंपनी जो है जब आपको SMS करती हैं तो बोलती हैं आज ही खरीदें फलाना ढमकाना ऑफ़र, वो ये लिखती तो अंग्रेजी फॉन्ट में लेकिन रहती भाषा हिंदी है। जैसे उनका क्या रहता है, आज ही खरीदें, आज ही खरीदें, ऐसे करके, ठीक है, क्लियर। ये ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज दे कंसीडर कि जो हमारी ऑडियंस है हो सकता है कि इंग्लिश उसको इतनी ज़्यादा टच ना करें, वो कंसीडर करते हैं, दे स्टेप इनटू द शूज ऑफ द ऑडियंस, जिसको बताना है उसके हिसाब से हमें लेटर लिखना होता है, राइट, क्लियर। मान लेते हैं मेरा एक दोस्त मित्र है, वो कहाँ रहता है, वो कनाडा में रहता है, ठीक है, वो वहीं का पैदा हुआ है, वहीं पर रहता है, उसको हिंदी नहीं आती, मान के चलते हैं ऐसा, तो अगर मैं उसे लेटर लिखूंगा तो मैं हिंदी में भेज दूँ उसको लेटर, प्रिय मित्र आपसे मिलने की बड़ी अभिलाषा है, ऐसा लिखूँ, पढ़ ही नहीं पाएगा। तो मैसेज को, मैसेज में कंसिडरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, जिसको जिसके लिए वो मैसेज या कम्युनिकेशन किया जा रहा है उसको कंसीडर भी किया जाए, है ना, उसके इमोशंस, रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम्स, सबको कंसीडर करना है हमें। एम्फेसाइज ऑन यू, ठीक है, यू मतलब उस पर जिसको भेजा जा रहा है ना, उस वाली अप्रोच पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर। आपको इस बात का ध्यान देना है कि क्या चीज़ पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, इस पर नहीं, पॉजिटिव स्ट्रेस डालना है वर्ड्स पे, ठीक है, जोवियल, कमिटेड, थैंक्स, वार्म, हेल्दी, हेल्प, इन सारे शब्द का, वर्ड्स का यूज़ करना है। क्लैरिटी, जो भी मैसेज आप लिखें वो बहुत ही क्लियर होने चाहिए, आसानी से समझ में आनी चाहिए जिसको भी वो मैसेज बताया गया हो, ठीक है। मान लेते हैं लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आए थे और मैं बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर करा देता, 100-150-100 से ज़्यादा, तो क्लैरिटी होती नहीं कि कौन सा करूँ कौन सा नहीं करूँ। अब यहाँ पे बहुत छोटे क्वेश्चन हैं, 7-8-9-10 ही हैं, यही पढ़ने हैं और 10 क्वेश्चन दूसरे वाले हैं, 20 क्वेश्चन पढ़ गया ना, तो बड़ा एकदम क्लियर है ना आपको क्या करना है, ठीक है, आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाता है, कम्प्लीट क्लैरिटी हो जाती है थाट्स और आइडियाज़ की, ठीक है, मैसेज पहुँच जाता है, मीनिंग मिल जाता है आपको मैसेज का, ठीक, क्लियर। एग्जैक्ट और अप्रोप्रिएट कंक्रीट वर्ड का यूज़ करते हैं, सर कंक्रीटनेस बता दो, फिर अगला स्टेप है अपना। बिजनेस कम्युनिकेशन में 7 C's की बात कर रहे हैं, 7 समुंदर नहीं, 7 C, ये कार वाला, कैट वाला सी, यस। सो कंक्रीटनेस, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो आप जो भी बात बोल रहे हैं ना, पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस और सही इन्फॉर्मेशन देंगे, क्लियर इन्फॉर्मेशन देंगे उसे। क्लियर इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो बिल्कुल सत्य हो, कठोर सत्य। जैसे एक बार ना आईफोन ने पहली बार अपना ऐड किया, उन्होंने बोला अनलॉक योर मैक बाय नॉकिंग योर आईफोन, क्या कहा, क्या कहा, अनलॉक योर मैक बाय नॉकिंग योर आईफोन, आईफोन पे टैप करके आप अपना मैकबुक ओपन कर लो, है ना, क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि मोबाइल पे टैप करके अपना मैकबुक ओपन कर लो, और अगर इन्होंने पहले टेस्टिंग करके नहीं बोला होता तो लोगों को लगता है झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने खूब टेस्टिंग करी इस वाली टेक्नोलॉजी पे कि कैसे मोबाइल से लैपटॉप खुल जाएगा। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसका एडवर्टाइजमेंट कराया। कुल मिला के जब इन्होंने मैसेज भेजा तो वो मैसेज बिल्कुल सही भेजा, और लोगों ने जब चेक किया तो फैक्ट और फिगर्स को सपोर्ट कर रहा था वो मैसेज, ठीक है। इट मेक्स द यूज़ ऑफ वर्ड दैट क्लियर एंड बिल्ड द रेपुटेशन, ठीक है, ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं और जिससे रेपुटेशन बढ़ जाती है। कंक्रीट मैसेजेस आर नॉट मिसइंटरप्रिटेटेड, इसको ना समझने में आसान गड़बड़ नहीं होती कि कहा कुछ और है, समझ कुछ और, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। कोट सी, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्या आप ना पोलाइटली बात करें, चाहे वो लेटर लिख रहे हो, चाहे वो वर्बली बात करें, ओरली बात करें, तो आप पोलाइटली बात करें अपने ऑडियंस के साथ, रिसीवर को पोलाइटली मैसेज भेजें, ठीक है। कोट सी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लास्ट सी जो है कम्युनिकेशन का, वो है करेक्टनेस, जो भी इन्फॉर्मेशन दें बहुत ही करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर या जो सिस्टमेटिक एरर है या जो ऑर्गेनाइजेशनल एरर है, मैसेज को ऑर्गेनाइज करने का तरीका जो है उसमें गड़बड़ ना हो, स्टेप वाइज गड़बड़ ना हो कि पहले आपको क्या बताना था उसके बाद क्या बताना था, तो ऐसे ना हो कि आपने स्टेप में गड़बड़ कर दिया कि स्टेप नंबर 3
फर्स्ट की जगह बोला है, स्टेप नंबर 7 5 की जगह बोला है। अगर ऐसा बोला है तो मैसेज में करेक्टनेस नहीं आएगा और मैसेज एग्जैक्टली वैसा नहीं पहुँचेगा जैसा आप भेजना चाह रहे हैं। सो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैसेज एग्जैक्ट वही है जो मैं भेजना चाह रहा हूँ, करेक्ट है, वेल टाइम्ड, मतलब जितना मैंने लिखा है उतना ही भेज रहा हूँ ना। इफ़ कम्युनिकेशन इज करेक्ट, इट बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस लेवल दोनों का, जिसने भेजा है उसका और जिसको मिल रहा है उसका, दोनों का, ठीक है। करेक्ट मैसेज हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस, सही मैसेज अगर आप भेज रहे हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, लोग अच्छे से समझ पाते हैं। इट चेक्स फॉर प्रिसीजन एंड एक्यूरेटनेस ऑफ फैक्ट एंड फिगर यूज्ड इन द मैसेज। लोग अगर चेक भी करें ना किसी मैसेज को तो उन्हें बिल्कुल मैसेज सही मिलना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एनहेंस होकर आएगी, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर कोई बच्चा इसमें से चेक करना चाहे कि पिछले लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में आया है, तो उसको मिलेगा हाँ यार सर तो सही कह रहे थे, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर में यही सब तो पूछा गया है जो उन्होंने 1 घंटे की क्लास में बता दिया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो जब आप चेक करोगे तो इससे क्या बढ़ती है? रेपुटेशन बढ़ती है, एक्यूरेटनेस बढ़ जाती है, ठीक। चलिए तो इसलिए करेक्ट मैसेज, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको बाकी लोगों को भी देना। सो अवेयरनेस ऑफ दी 7 C's कम्युनिकेशन मेक्स यू एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। अगर आपको एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनना है, बिजनेस कम्युनिकेटर बनना है, तो आप इन 7 C's का ध्यान रखेंगे। तो ये सार 7 C's जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। नाउ अच्छा, ऊपर ना हमने एक सवाल पूछा था कि हु इज़, अब मैंने यहाँ सवाल ही बदल दिया, हु इज़ एंटरप्रेन्योर, वाई शुड वन चूज टू बिकम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास एबिलिटी होती है, डिज़ायर होती है, जिससे वो किसी बिजनेस को शुरू कर सके, एडमिनिस्टर कर सके और सक्सीड कर सके एक स्टार्टअप वेंचर को, जिसके साथ रिस्क जुड़ा हुआ हो, और ये ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि प्रॉफिट जनरेट कर सके। बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा एंटरप्रेन्योरशिप का, कि एक नया बिजनेस वेंचर शुरू करनी है, ठीक, क्लियर। एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन नोन एज सोर्स ऑफ न्यू आइडिया और इनोवेटर्स कहा जाता है इनको, इनको अपॉर्चुनिटी हंटर भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी हंटर, ठीक है। दे नए, ये लोग नए आइडियाज़ को लेकर आते हैं, उनको पुराने आइडियाज़ के साथ रिप्लेस कर देते हैं और उसको बिजनेस में बदल देते हैं, ठीक। देर आर मैनी रीजन्स टू कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रॉम इट्स फ्रीडम एंड फ्लेक्सीबिलिटी टू जॉब सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या क्या चीज़ें आपको दे सकता है? एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आप खुद के बॉस होते हैं, आपकी मर्जी, पूरे के पूरे बिजनेस को आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, क्लियर। पोटेंशियली अनलिमिटेड इनकम रहती है आपकी, अनलिमिटेड इनकम रहती है, अनलाइक वर्किंग फॉर अ कंपनी वेयर योर सैलरी इज डिसाइडेड बाय समवन एल्स। व्हेन यू रन योर ओन बिजनेस, आपकी आपकी इनकम आपके द्वारा डिसाइड की जाती है, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतना ज़्यादा इनकम आएगा। तो इसका मतलब है पोटेंशियली अनलिमिटेड इनकम होती है, जितना ज़्यादा काम करो उतना ज़्यादा पैसा, लेकिन अगर जॉब करेंगे तो वहाँ पर एक डिस्क्रीट मैनर में पैसा आपके पास आएगा। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं कब आपको काम करना है, कितना काम आपको करना है, ठीक है। आप वो काम करते हैं जिसमें जो आपको पसंद है यार, एग्जैक्टली वही जो आपको पसंद है, ठीक है, क्लियर। तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को बदल सकते हैं जिससे आप बार बार बोर नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। आप अपना काम खुद चूज़ कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, और आप ये भी चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी टीम मेरे साथ काम करेगी, मेरे टीम मेंबर कौन कौन लोग होंगे। आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए जैसे अगर आप सोसाइटी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, उनको जॉब दे रहे हैं, एक नई जॉब क्रिएट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी के अंदर कुछ नया लेकर आ रहे हैं जिससे उन लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है वो बूस्टअप हो गई है, थोड़ा अपस्केल हो गई है, तो भी क्या है, आप पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। फुलफिलिंग और रिवॉर्डिंग होता है एक एंटरप्रेन्योर एंटरप्राइज रन करना, बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होता है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है आपको, ठीक है, क्लियर। चलिए सो दीज आर सम ऑफ द वेज कि हमें एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम लोग जब भी पार्टनरशिप क्रिएट की जाती है तो एक एग्रीमेंट के थ्रू किया जाता है। इस एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, डिटेल ऑफ द पार्टनर फॉर्मिंग द पार्टनरशिप, नेम ऑफ द फर्म, कंपनी का क्या नाम रखा है, जैसे नवीन और माधव दो लोग अपना एक ओपन करते हैं तो माना फर्म करके, माना जनरल स्टोर करके नाम रख सकते हैं। इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, दोनों शुरुआत में कितना पैसा लगा रहे हैं, प्रॉफिट रेशियो कितना रखेंगे आपस में बांटने वाला, 50-50, 60-40, 30-70, कैसे, कितने दिन तक इनकी पार्टनरशिप चलेगी, इस पर टाइम भी लिख सकते हैं।
ऐसे मैक्सिमम टाइम लिखा जाता है एट विल, जब तक हमारी मर्जी, ठीक है, जब तक हम दोनों की साथ में विल मैच कर रही है तब तक हम लोग साथ में पार्टनर रहेंगे, वरना 10 साल, 99 ईयर्स, 10 ईयर्स ऐसे रखते हैं। फॉर्मेलिटीज़ टू बी ऑब्जर्व्ड, अगर किसी नए व्यक्ति को लेकर आना है, जुड़ना है किसी नए पार्टनर को, तो क्या फॉर्मेलिटीज़ को पे करनी पड़ेगी, या फिर हम दोनों पार्टनर में से किसी को रिटायर होना है तो कौन सी फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व कैसे करेंगे, ख़त्म कैसे किया जाएगा, इस बारे में भी आप लिखते हो किसी भी पार्टनरशिप डीड के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द एग्रीमेंट फॉर पार्टनरशिप, और इसी को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्या बोलते हो आप लोग, समझ में आ रहे हैं? ठीक। व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू विल रिक्वायर टू टेक इनटू एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस यूनिट, आपको कौन कौन से स्टेप्स रिक्वायर होंगे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी भी बिजनेस यूनिट को शुरू करने के लिए। सो हेयर आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। पहला है कि आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, यार ये हम जो दुकान खोलने वाले हैं ये चलेगी क्या। सुनो यार, एकदम मतलब अश्नीर ग्रोवर के, जो अश्नीर ग्रोवर है ना, वो क्या नाम है, भारत पे के CEO, हाँ, वो क्या बोलते हैं, अपने को धंधे से मतलब है, धंधा चलना चाहिए बस, ठीक है। तो अगर आपको एक नया धंधा शुरू करना है, एक नया बिजनेस शुरू करना है, तो किस बात का ध्यान रखेंगे कि यार मार्केट में हमारे जैसा धंधा कौन लोग कर रहे हैं, हमारे जैसा बिजनेस और कौन कौन लोग हैं। पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे ना कि मैं ये वाली शॉप ओपन करूं या ना करूं, ठीक, क्लियर। कि ये मान लेते हैं कि रेस्टोरेंट ओपन करना है, रेस्टोरेंट, ठीक है। अब इसके लिए आपने कलेक्ट किया कि अच्छा हमारे यहाँ तो कॉम्पिटिशन भी कम है ना, सोर्स भी अवेलेबल है, हमारे पास जगह भी है, सब कुछ सारी चीज़ें ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन सारी और इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज़ करोगे कि आपको देखोगे, आपको तो फसाई का लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, ठीक है, आपको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा, आपको कंपनी खोलनी पड़ेगी, टैक्सेशन वगैरह, GST वगैरह लेना पड़ेगा। इन सारी इन्फॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे और उसको ऑर्गेनाइज करोगे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करके। तो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करोगे, इसके बाद आप इस बिज़नेस को रन करने के लिए, रेस्टोरेंट को रन करने के लिए क्या क्या आपको स्किल चाहिए, फूड प्रिपेयर करना आना चाहिए क्या, पैकेजिंग आनी चाहिए क्या, डिलीवरी सिस्टम पता होना चाहिए क्या, है ना, ये सारी चीज़ें। तो आप कुछ वोकेशनल स्किल्स सीखोगे, एक्वायर करोगे, लर्न करोगे, फिर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी इस पूरे बिज़नेस को चलाने के लिए। अभी शुरू नहीं किया है, अभी तो स्टेप में हो कि क्या क्या चीज़ें सीख लूँ मैं, कैसे रन करूँगा। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आप पैसे किससे मांगोगे, दोस्त से, रिश्तेदार से, बैंक से लोन लोगे, किस तरह से। मार्केट असेसमेंट करोगे कि कंपटीशन वगैरह क्या चल रहा है, जब तक मैंने ये सब तैयारी करी है कहीं कंपटीशन घटबड़ तो नहीं गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, ठीक है। इन सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा, राइट, क्लियर, चलो आगे बात, है ना। सो प्रोविजन फॉर क्राइसिस, अगर आपने भाई प्रोविजन भी तो करना पड़ेगा ना, कल को भूकंप आ गया, पूरा रेस्टोरेंट गड्ढे में, आग लग गई, दंगे फसाद हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमें इंश्योरेंस, ठीक है, इट्स ये प्रोविजन ऑफ क्राइसिस भी करना पड़ेगा। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू विल रिक्वायर टू ओपन और रन अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज, ठीक है। SEU भी आ सकता है, SEU, स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट, कन्फ्यूज मत हो ना SEU में, और एक होता है SMEs, हाँ SME, छोटा सा ऐसे लिखा रहता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, यस, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और स्मॉल एंटरप्राइज यूनिट। इसमें बहुत सारे बिजनेस की बात हो रही है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल यूनिट की बात हो रही है। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत 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 ही सस्ता है, समोसे की कॉस्ट से भी कम है, और बता दूँ। खैर, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रेक इवन पॉइंट। गाइज, ये भी क्वेश्चन है जो पूछा जाता है शॉर्ट नोट के अंदर, 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज़ अ ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की वाली सिचुएशन आ जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि यार मुझे एक बात बताओ, आपने किसी बिजनेस में ना 10 लाख रुपए लगाए हैं, 10 लाख रुपए,
ठीक है, ध्यान से सुनना, जैसे आप 10 लाख रुपए लगा दोगे 10 लाख के घाटे में नहीं हो जाओगे, आपकी जेब से तो चला गया ना यार, क्या बोलते हो विद्यार्थियों? रिप्लाई भी करो भाई, 10 लाख मैंने लगा दिए बिजनेस में तो 10 लाख मेरी जेब से चले गए, घाटा आ गया ना। अब ये बिजनेस अगर मुझे हर महीने 50,000 रुपये कमा के दे रहा है तो कितने महीने में मेरा पैसा वापस आ जाएगा? सर 50,000 × 10 लाख मतलब 20 महीने में, 1 साल 8वें महीने में मेरा पैसा वापस मुझको आ जाएगा, राइट। अगस्त में पैसा आ जाएगा, अगर जनवरी में लगा इस साल तो अगले साल अगस्त में आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो अच्छा, लेकिन अभी तक 20 महीने में के बाद आपने कुछ पैसा कमाया क्या? 20 महीने तक आपने कुछ पैसा कमाया? कहाँ कमाया यार, तुमने 10 लाख तो दे ही रखा है आयुष। हाँ, लेकिन 20 महीने तक कमाया क्या कुछ? ये जो 20th मंथ है ना, जब आपके पास पूरा पैसा वापस आ जाएगा, 20 लाख दोबारा इकट्ठा हो जाएगा, तो अब आपने यार 20 महीना इन्वेस्ट भी तो किया है, तो अब पता है अब आप कौन सी पोस्ट पे आ गए हो? नो प्रॉफिट नो लॉस, यही आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। आप ब्रेक इवन पॉइंट को कब अचीव कर रहे हो इस वाले हिसाब से? 20 महीने में। ये तो मैंने बहुत ही सस्ता, बहुत ही जुगाड़ वाला एग्जाम्पल, टिकाऊ एग्जाम्पल दे दिया। अब आपसे बात करते हैं एक असली एग्जाम्पल के बारे में। सुनो कैसे निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ये मुझे समझाना भी तो था। ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मार्टिन, ये क्लास रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी, आप लीव कर सकते हो। यूट्यूब वालों, ये क्लास लाइव भी होती है, तो आप इस पर, ये नंबर जो दे रखा है ना यहाँ पे, ये नंबर दे रखा है यहाँ, इस पर कॉन्टैक्ट करके पूछ लो। हाँ, मैंने कहा कि ये क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डिंग भी डाली जाएगी, तो आप लीव कर सकते हो, डोंट वरी। मुझे मालूम है आपको कहीं ज़रूरी जाना है, ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं, सुनो सुनो। मीम वाले बाबा, आप ज्वाइन कर लिया मीम वाले बाबा ने? ठीक है, सुनो सुनो। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा है, इसका फार्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का? पहले तो हम फिक्स कॉस्ट लिखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं किससे? सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों का जो आता है, मतलब सेल पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट काटने के बाद उसको डिवाइड करते हैं हम लोग किससे? फिक्स कॉस्ट से। तब सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट जो आपका टैक्सेशन वगैरह लग रहा है या कोई दूसरी चीज़ें लग रही है, वो सारी चीज़ें बार बार बदल रहा है ना आपके, आपका जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हो उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ चीज़ें घटेंगी बढ़ेंगी ना, पहले कितने का मंगाया था अभी कितने का मंगा रहे हो, रेंट और ये सारी चीज़ें, सैलरी रेंट वगैरह हो गए, कम ज़्यादा होता रहता है, ये आपको कभी भी घटता बढ़ता रहता है, तो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। चल मान लेते हैं, लेट से अकबर, अकबर दिल्ली में, ठीक है, अकबर इन दिल्ली वॉन्ट्स टू नो द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर हिज पेंस। वो पेन बेच रहा है, पेन, ठीक है, कलम बेच रहा है, वो अपनी कलम के बारे में जानना चाहता है कि भैया उसकी कलम के पास ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो लेट्स कैलकुलेट, ही कैलकुलेट्स द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट विच अमाउंट टू 10,000 रुपी फॉर 1 मंथ एंड 1 रुपी पर पेन। तो यहाँ पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 1 रुपये है, फिक्स कॉस्ट है 10,000 रुपये, ठीक। तो इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए रिस्पेक्टिवली, और उसकी जो सेल प्राइस है पर पेन की, वो क्या है? 13 रुपये, कि 13 रुपये में बेचता है। तो इसका मतलब अगर इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाला जाएगा तो 10,000 डिवाइड करेंगे 13 में से एक गया, तो 833 यूनिट जब वो पेन बेच देगा तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, ठीक, क्लियर। 833 पेन जब वो बेच देगा तो उसका जो खर्चा है वो निकल जाएगा, ठीक है। ये मतलब खर्चा निकलने का मतलब है इसके एक्सपेंसेस और रिवेन्यू मैच कर जाएंगे, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू की बात हो रही है। हाँ, 10,000 का जीरो, वो ऐसे कट टू कट हो गया, ऐसा नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे ग्राफ अगर आपको बनाना है, बहुत एकदम मन कर रहा है कि चलो सर ग्राफ में दिखा दो एक बार, तो मान लेते हैं ये कॉस्ट और सेल ग्राफ है, ठीक है, रेवेन्यू सेल ग्राफ है ये,
तो अगर सेल हमारी बढ़ रही है तो उसके लिए साथ ना सेल बढ़ने के साथ साथ आपकी फिक्स कॉस्ट भी ऐसे चलती रहेगी हमेशा। फिक्स कॉस्ट ना कॉस्ट जो है वो एक फिक्स रहेगी, ये बढ़ थोड़ी नहीं, कॉस्ट थोड़ी ऊपर जा रही है, कॉस्ट तो ऊपर की तरफ है, बस हमारा सेल बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, ठीक है। यस, अब इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जितनी सेल होगी उसके साथ साथ बढ़ती चली जाएगी, लोगों को सैलरी ज़्यादा देने लग जाओगे ना, ज़्यादा काम होगा तो आपके पास, तो मतलब सैलरी ज़्यादा नहीं देने लग जाओगे, लोगों को और बुलाओगे काम करने के लिए, यस और नो, ज़्यादा काम होगा फिर तो इससे टोटल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी आपकी और टोटल रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्या बोलते हो? ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्राफ में अगर आप देखो, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जहाँ पे ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट क्रॉस कर रहे हो और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्रॉस कर रहे हो, इन दोनों को मिलाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन पॉइंट, BEP। ठीक है, बस इतना ध्यान रखो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बस, दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। डू यू हैव एनी क्वेरीज? सो आज के लिए ये पूरी वीडियो मिल जाएगी, मैं अपलोड कर देता हूँ जितनी जल्दी मुझसे हो सकता है। नो वरीज, ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अच्छा, अगर आप में से कोई भी क्रैश कोर्स में आना चाहता है, फीस मात्र 2,999 है, और अगर अभी कॉल करोगे तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत कंसेशन वगैरह आपको ऐड कर दें, नकल भी लेने जाते हैं ना लोग, फॉर एग्जाम्पल, वैसे नकल के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, नकल भी लेने जाते हैं तो 5 से 10 हज़ार रुपये ले लेते हैं वो आपसे पर सब्जेक्ट। आपको 60 आवर से ज़्यादा की क्लासेस मिलेंगी, सो इट जस्टिफाइज आई गेस 2,999। ठीक है, 2,999 रुपये। यस यस अर्जुन, प्लीज़। वर्किंग कैपिटल किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है, मान लेते हैं कि गल्ले का पैसा, समझते आप, मान लेते हैं लाला जी के हिसाब में बात करते हैं। एक लाला जी हैं, वो अपनी दुकान चला रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, वो डेली माल बेचते हैं, कुछ पैसा गल्ले में रख लेते हैं और कुछ पैसा निकाल कर अपने पास रखते हैं। ठीक है, वो जो पैसा गल्ले में रखे जा रहे हैं ना, जिसको वो टच नहीं करते कि बेटा गल्ले का पैसा है, हाथ नहीं लगाना, अब वो क्या करते हैं अर्जुन, उस गल्ले के पैसे से दोबारा माल खरीदेंगे जो माल बेचा गया है, राइट? क्योंकि जितने का माल बेचा गया उतना प्रॉफिट थोड़ी आ गया, वो तो रेवेन्यू है, इस रेवेन्यू में से प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट, वो बेचारा जो लाला जी है वो उसमें से सिर्फ प्रॉफिट निकालता है, गल्ले के पैसे में से जो है बाकी पैसा छोड़ देता है, वो वर्किंग कैपिटल है, उसी से वो पूरा बिजनेस उसका चल रहा है। ठीक है, टू ऑपरेट और रन अ बिजनेस इफेक्टिवली वी नीड सम अमाउंट, वी नीड सम फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, राइट? चलिए, यस,